जीडीए 20 एमएलडी क्षमता का एसटीपी प्लांट लगाने जा रही है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है, जिसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग यहां पर मकान लेकर बसते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए घरों से निकलने वाले पानी की जल निकासी पर काम चल रहा है। राप्ती नगर विस्तार योजना में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, वहां का पानी नालों के माध्यम से चिलवा ताल में जाता है, जिसको देखते हुए पानी की जल निकासी के लिए 20 एमएलजी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा तो पूरे क्षेत्र का पानी ट्रीटमेंट होने के बाद रामगढ़ ताल में जाएगा, जिससे ताल की स्वच्छता व सुंदरता बनी रहेगी व 20,000 परिवार को इसका लाभ मिलेगा। जल्द ही टेंडर होकर इसका निर्माण करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि गोरखपुर एक बहुत ही बदलता हुआ शहर है, बहुत आगे बढ़ता हुआ शहर है, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, तमाम लोग यहाँ पे बसते जा रहे हैं और उसको देखते हुए जो हमारा पानी का निकासी है, उसका ट्रीटमेंट है, उस सब पे पैरेलल काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो राप्ती नगर विस्तार योजना है, वहाँ बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और वहाँ का पानी वो नालों के माध्यम से चिलवा ताल में जाता है, तो उसको हम लोग अभी से प्रयास कर रहे हैं कि 20 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए। जब ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा तो पूरे क्षेत्र का जो पानी होगा, सीवर होगा, वो सब ट्रीटमेंट होने के बाद ही हमारे ताल में जाएगा, जिससे उसकी स्वच्छता और सुंदरता बनी रहेगी। इससे लगभग जो है 20,000 परिवार को वहाँ पर फ़ायदा होगा। इस प्रोजेक्ट की पूरी कार्ययोजना तैयार की ली गई है, इसका अप्रूवल भी दे दिया गया है, अब इसका जल्दी से टेंडर होगा और जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाएगा।